आपको क्या लग रहा है कि सोनिया जी को तो काम मिल गया, कुछ किसानी के आरोप लग रहे हैं लड़कियों को काम दे रहे हैं। अरे भाई, किसी लड़के को काम करके दिखाओ ना, तब ना मानेंगे हम। उनके बचपन का दोस्त जो स्कूल में जाता था, पवन पांडे न्यूज राइटर है, पवन पांडे से कभी उनको पूछिएगा कि कब लड़का उसको आगे बढ़ाए, अगले सब लड़का उसको आगे बढ़ाए, संजय पटेल लड़का से आगे बढ़ाए। कई ऐसे एग्जाम्पल में है, सोनू पांडे उसका मैनेजर, विवेक सिंह मैनेजर, सब कर रहा था, सबको देखा जाता है, सबको आगे बढ़ाए। मतलब कहीं ना कहीं अब वो भेदभाव नहीं करते, लड़कियों की संख्या बहुत कम है, सिर्फ लड़के हैं जिसको ज़्यादा आगे बढ़ाए। अच्छा, मतलब लड़कियाँ कम ही है, गिनी चुनी उनको आगे बढ़ाए, बाकी लड़कों को ज़्यादा आगे बढ़ाए। चलिए खेसारी भैया ने तो एक वादा, आज भाई जी मैं आज 5 साल से सिर्फ अपील ही कर रहा हूँ, 5 साल से अपील ही कर रहा हूँ कि आज यूपी सरकार में बिहार के कलाकारों को सम्मान ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिल रहा है, बट यूपी के कलाकार होने से सब्सिडी डबल मिल रही है। इसलिए सारे जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के ही कलाकार लें ताकि हमको सब्सिडी ज़्यादा मिले। तो ये तो हमें बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि उनके कलाकारों के साथ कितना एक होता है ना कि भेदभाव वाली बात है। तो अगर वो सरकार अपने लोगों के लिए अपने लोगों को रोजगार दे रही है तो गलत कहाँ से, तो वो अर्थ काम हमारे बिहार सरकार करे तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में भी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बिहार के अच्छे अच्छे प्रतिभा, अच्छे अच्छे लोग कलाकार बन के उभरेंगे। और हमें यूपी जाने की क्या जरूरत है, हमें गुजरात जाने की क्या जरूरत है, अपने होम टाउन में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने प्यारे प्यारे भाइयों के साथ, अपने प्यारे प्यारे माता बहन बेटियों के साथ हम यही शूट करके और अपना घर परिवार चलाएंगे और बिहार को भी थोड़ा सा तो देख लो। सोमिया पोखरेल नेपाल की रहने वाली लड़की है, उनको आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बधाई आपको। लेकिन बिहारी कलाकार जिनके पास कला है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए खेसारी लाल यादव क्या करने वाले, कोई योजना है भविष्य में? ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, जब आप टिकटे मत नहीं कटाइएगा और ट्रेन के पास सही नहीं करे तब हर ट्रेन थोड़ी आएगा। आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये जिनका लोगों को कहना है टाइटू बनवा लेने से खेसारी काम देता है, नहीं, आपकी की हुई चीज मेरे पास पहुंचनी तो चाहिए ना। अब आपका काम है जो आप किस माध्यम से आप टैटू बना के पहुंचाइए या सर फोड़ के पहुंचाइए या दिल चीर के पहुंचाइए। मेरे पास आप कलाकार हो, आपका वीडियो, आपका डांस, आपकी एक्टिंग मेरे पास जाएगी तभी ना, नहीं तो मैं सपने तो आते नहीं आपके नाम से। वही अगर किसी को शिकायत है कि खेसारी लाल यादव टैटू बनवाने से काम लेता है, भाई नहीं, उस बच्ची का वीडियो पहुंचा, उसका काम मैंने देखा, तब मुझे लगा कि इसके साथ काम मुझे करना चाहिए और मैंने किया। तो किसी भी जितने भी लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, अगर उनको लगता है कि बेहतर काम करते हैं, अगर उनका वीडियो या उनका किया हुआ चीज़ मेरे पास आएगा तो मैं जरूर उनका हेल्प करूँगा। और किसी को कोई सवाल? सर, सर मेरा नाम गुड्डू है और भोजपुरी फैंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुरी फैन क्लब के गुड्डू जी, आपको दिल से थैंक यू, आप इतना टाइम देकर इतना प्यारा प्यारा सवाल करेंगे। सर, ये गाना रिलीज होते ही मार्केट में एकदम बवाल मचा रहा है, क्या करना चाहेंगे? हम काम तो उसी के लिए किए थे कि बवाल मचाए, हम बवाल मचाने के लिए किए थे ताकि यूट्यूब हैंग हो जाए, हैंग हो भी गया होगा मुझे लगता है। 5 लाख पार हो गया, मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं। सर इस चलिए ताली बजा दीजिए, 40 लाख पार हो गया। सर, मैं रोशन कुमार यादव भोजपुर एंटरटेनमेंट से, के लिए किए थे ताकि यूट्यूब हैंग हो जाए, हैंग हो भी गया होगा मुझे लगता है। सर 5 लाख पार हो गया, मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं। सर इस चलिए ताली बजा दीजिए, 40 लाख पार हो गया। सर, मैं रोशन कुमार यादव भोजपुर एंटरटेनमेंट से, हर एक छोटे मोटे विवाद पे सर आपको टारगेट किया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, महेश बाबा का चैनल है, चलिए वो भाई आप नहीं आए, महेश बाबा आपको भाई जी को प्रणाम, आप ब्राह्मणपुर के आदमी हैं और सारे ब्राह्मणपुर के लोग मेरे लिए देवता होते हैं। तो विवाद होता है तो देखिए विवाद किसके साथ होता है, मैं क्या बोला पहले ही बोला, जो गाड़ियाँ चलती है ना उसी में इधर उधर होता है, जब रोड पे आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होता है, कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी छोटा छोटा लड़ लड़ के निकल जाता है, ये होगा और ये रुकने वाला नहीं है, समझदारी आ जाएगी तो सब लोग ठीक हो जाएगा।
क्या लगता है सर कि जितने भी सैड सॉन्ग अभी तक रिलीज हुए हैं सबका रिकॉर्ड नेपाल का कम्पिटिशन है, तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि नेपाल के लोग अपने सोमिया को कितना प्यार करते हैं और मैं देखना चाहता हूँ इंडिया के लोग खेसारी को कितना प्यार करते हैं। तो आप दोनों मिल के सर्च करें, देखते हैं कि नेपाल की सर्चिंग ज्यादा होती है कि खेसारी लाल के इंडिया की सर्चिंग ज्यादा होती है। सर देशवा न्यूज से पटना से चलिए क्या कहना चाहेंगे, बिहार और नेपाल की जो सामंजस्यता दूर हो गई थी उसी इस एल्बम के माध्यम से आप नजदीक लाना चाहते हैं। देशवा म्यूजिक के जितने भी श्रोता हैं मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग प्यार आशीर्वाद मुझे भी दीजिए और मैं जनता से कहना चाहता हूं कि देशवा न्यूज को भी आप लोग अपना प्यार दें। देखिए हमारे हम इंसान हैं, हमारे लिए कोई देश मायने नहीं रखता, हम कहीं भी जाएं अपनी इंसानियत के साथ तो मुझे लगता है हर देश हमें प्यार करेगा। और सोमिया को नेपाल से हम लाए नहीं हैं, उनका प्रतिभा उनका वर्क इंडिया के लोगों से प्यार करने पर मजबूर कर दिया और सोमिया आज हमारे साथ काम, यानी दो देशों के आपस में प्रेम जोड़ने के लिए हल्दी लागे। शुरुआत तो संगीत ही होती है, आप देखिएगा पाकिस्तान के भी लोग आकर और अपने इंडिया में जब खूबसूरत गाने और नगमे गाते हैं तो हम उनको इंजॉय करते हैं। तो संगीत ऐसा चीज है कि एक प्यार का परिकाष्ठा है, संगीत से बहुत सारी चीजों को जोड़ा जा सकता है। ओके थैंक यू सर, एक सवाल मेरा था सर, खेसारी जी रिपब्लिक न्यूज के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको दिल से प्रणाम, आप लोग रिपब्लिक को प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब फिल्म सिटी बना है मैं देखा तो नहीं हूँ भाई जी, अभी कब उद्घाटन होगा वो तो नीतीश जी बताएंगे, क्योंकि ईंट उन्हीं का लगा है, सीमेंट उन्हीं का लगा है, रोजगार जो है उन्हीं के दिया हुआ है। अब देखिए अब हमें अगर नीतीश भी लोग हैं टाइटल बनवाने से काम नहीं मिलता है, नहीं तो हजारों टाइटल लोग बनवा के घूमते रहेंगे। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप एक बार देखिए इस गाने को, आपको समझ में आएगा कि सोमिया के अंदर वो बातें भी है जिस बातों के वजह से मैं आज सोमिया के साथ काम भी किया और आगे भी करूँगा। और नेपाल के अटलीस्ट अगर ऐसे ही काम करेंगे तो मेरे लिए उनके लिए दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला हो, उनके लिए नहीं दुनिया के किसी भी कोने की लड़की हो लड़का हो या कोई आर्टिस्ट हो जिनको काम करने का इच्छा है अगर वो बेहतर काम करते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा काम करता हूँ। क्या बोला कि मेरे पास उनका किया हुआ चीज आना चाहिए, अगर ये बताइए घर में बैठ के टैलेंट तो आप दिखा नहीं पाओगे, तो आपका टैलेंट मेरे पास आएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि आप कितना बेहतर कर सकते हो और आपके साथ भी काम करता बॉलीवुड में कब आप इंटर पा रहे हैं सर? देखिए आपका आशीर्वाद अगर आपके जैसे भाइयों का आशीर्वाद हुआ तो जरूर जाएंगे। भैया शुरू से विवादों में घिरा इसलिए रहता हूँ मैं क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, अचानक से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला मुझे और मैं रातों रात लोगों के दिल में बैठ गया। तो जब ऐसी चीजें होती है ना तो गरीबी से मैं हाफ पॉइंट पहन कर अपने जीवन को चला जाऊँ। दूसरी चीज की मैं मनोज तिवारी जी और खेसारी ये दो ऐसे आर्टिस्ट भोजपुरी में हैं जिनके पहले ही सिनेमा 50 डे हुए, जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला खेसारी लाल यादव का शादी तेरे ससुराल सारे लोगों का हुआ धीरे धीरे। आप जब बड़े होते हो तो कहीं ना कहीं आप पे पत्थर तो चलेगा, आप जब बड़े होते हो तो दुनिया की नज़र आप पे ही होगी, आज जिस पे नज़र होती है बुरा भी दुनिया उसी को बोलती है और अच्छा भी दुनिया उसी। मैं उनको कहना चाहता हूँ उनके घर में भी बहन होगी, उनके घर में भी माँ होगी, अगर वो औरत के सम्मान नहीं कर सकते तो मुझे लगता है वो इंसान के लायक ही नहीं। सर कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को सीक्रेट बोल दिया जाता है और देखिए बोलने वाले 5-10 लोग होते हैं, बोलने वाले 5-10 लोग होते हैं लेकिन बताइए अगर अश्लील है तो दुनिया इंजॉय क्यों कर रही है? एक मास्टर के बारात में, एक मास्टर के बच्चे के बारात में गंदे गाने क्यों बज रहे हैं? आप समाज को सुधारते हैं तो पहले सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, समाज अपने आप सुधर जाते हैं। सर इसके साथ देखिए कई अभिनेता जो है अब MLA बन रहे हैं, संसद जा रहे हैं तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है? होगा तो बताएंगे, अभी तो कोई इरादा है। अब देखिए अब हमें अगर नीतीश जी मुझे उस लायक समझते हैं तो मैं कभी मना थोड़ी करूंगा, हमारे बिहार की उन्नति के लिए अगर कोई काम हो और मैं वहां ना पहुंचूं तो मेरा दुर्भाग्य है, मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे बुलावा है
नहीं भी आएगा तो मैं कोशिश करूंगा जे मैं जरूर जाऊंगा। भैया मैं मेहदीन भोजपुरी से। हाँ भैया, सोम्या पोखरेल और आपका जब शूट हो रहा था तो आप रो काफी ज्यादा रहे, उसमें क्या भावनाएं से रो रही थी या एक्टिंग से? नहीं, सोम्या का एक शब्द आया कि सर मुझे बहुत रोल किया जाता है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिया जाती है, तो मुझे अपना जीवन याद आ गया। जब मैं कैसेट लेके जब दुकानों पे जाता था, पोस्टर चिपकाता था तो मेरे सामने मेरे पोस्टर फाड़ दिए जाते थे, दुकानों पे जाता था तो मेरे कैसेट फेंक दिए जाते थे, चलो तुम्हारे जैसे गायक डेली आते हैं, और मेरे माँ बहन की गालियाँ मिलती थी। तो मुझे अपना दिन याद आया कि जो मेरे साथ हो रहा था वही आज सोम्या के साथ हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको यहाँ बढ़ाने वाले 2000 हाथ है ना, तो उसमें से 5 हाथ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नीचा गिराना चाहेंगे। तो कोशिश यही करना है कि हमें आगे देखना है और दुनिया को सम्मान में लेकर, किसी के ठेस ना पहुंचे, किसी को मेरी बातों से तकलीफ ना हो, किसी को बुरा ना लगे, उस विचारधारा के साथ अपने जीवन में चलाना है। खसारे भैया, मैं इंडियन टाइम्स न्यूज से हूँ और एक सवाल था कि क्या सोम्या ही एक है या नेपाल से और आर्टिस्टों को मौका मिलना शुरू होगा? नहीं, इंडियन टाइम्स न्यूज की देखने वाले जितने भी श्रोता है, आपका नाम जानो भैया? सुनील कविराज जी। देखिए, बड़े प्यारे सवाल पूछे। मैं क्या बोला कि जितने भी लोग हैं, टाइटल बनवाने से काम नहीं मिलता है, नहीं तो हजारों टाइटल लोग बनवा के घूमते रहेंगे। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप एक बार देखिए इस गाने को, आपको समझ में आएगा कि सोम्या के अंदर वो बातें भी है, जिस बातों के वजह से मैं आज सोम्या के साथ काम भी किया और आगे भी करूँगा। और नेपाल के आर्टिस्ट अगर ऐसे ही काम करेंगे तो मेरे लिए उनके लिए दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला हो, उनके लिए नहीं, दुनिया के किसी भी कोने की लड़की हो, लड़का हो, या कोई आर्टिस्ट हो, जिनको काम करने का इच्छा है, अगर वो बेहतर काम करते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा काम करूँगा। बिहार के लड़कों के लिए आप क्या आगे कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी टैलेंट बड़ा पड़ा है, आप खुद बिहार से? मैं क्या बोला कि मेरे पास उनका किया हुआ चीज आना चाहिए, अगर ये बताइए घर में बैठ के टैलेंट तो आप दिखा नहीं पाओगे, तो आपका टैलेंट मेरे पास आएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि आप कितना बेहतर कर सकते हो और आपके साथ बॉलीवुड में कब आप एंट्री मारे सर? देखिए, आपका आशीर्वाद, अगर आपके जैसे भाइयों का आशीर्वाद हुआ तो जरूर जाएंगे। भैया, शुरू से विवादों में घिरा इसलिए रहता हूँ मैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।